Welcome class, hope you all are doing well and following the lectures of this course. So the next unit of this course which we are going to start today is about mammals. Before going into the detail, let's have a look on the outline of this lecture. So in this lecture we will get introduced with mammals and we will learn and study their specialized teeth and hair from evolutionary perspective, and we will also learn how diversified mammals are and how they are classified into different subclasses, superorders and orders. तो अगर हम पर्टिकुलरली मैमल्स की बात करें या मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, दे हैव हेयर ऑन देयर स्किन, they possess a diaphragm and three middle ear ossicles, which are three tiny bones in the middle ear. Iske alawa they possess sweat producing, sebum producing and scent ya odor producing glands. They have four chambered heart and a large cerebral cortex. Since mammals are the descendants or they belong to the synapsid amniote lineage, which we have already discussed in the unit of reptiles, so they evolved in synapsid lineage, or they diverged from their oldest reptiliomorph ancestors about 320 million years ago. मतलब अगर हम मैमल्स की इंसेस्टर्स की या साइनाप्सिड्स की जो इमर्जेंस है वो ट्रेस करना चाहें इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो हमें ये पता चलता है कि जो 320 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो फॉसिल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें साइनाप्सिड एमनियोड लिनिएजेस के ट्रेसेस जो हैं वो पाए जाते हैं. और मॉडर्न मैमल्स के ये साइनाप्सिड इंसेस्टर्स जो हैं ये इन्होंने ऐसे ही मॉडर्न मैमल्स को जो है इवॉल्व नहीं किया, बल्कि दे हैव गॉन थ्रू मेजर एवोल्यूशनरी चेंजेस कंप्राइजिंग मिलियन ऑफ ईयर्स, जिनमें से इन्होंने कुछ मेजर नेचुरल डिज़ास्टर इवेंट्स या मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स जो हैं उनको भी सरवाइव किया है, जिनमें से दो मेजर इवेंट्स या मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स की हम जो है वो बात करते हैं, जो कि 240 मिलियन ईयर्स और 65 मिलियन ईयर्स पहले जो हैं वो हो चुके हैं. स्पेशली जो लास्ट एक्सटिंक्शन इवेंट था अराउंड 65 मिलियन ईयर्स पहले, उसमें बहुत सी रेप्टिलियन स्पीशीज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, स्पेशली द डायनासोर्स. डायनासोर्स की एक्सटेंशन के बाद या उनकी डेथ के बाद ये हुआ कि जो डायनासोर्स के ऑक्यूपाइड निशेज या हैबिटेट्स या टेरेस्ट्रियल एरियाज थे वो मैमल्स को अवेलेबल हो गए, जिसने उनके सर्वाइवल को, उनकी एवोल्यूशन को, उनकी डाइवर्सिफिकेशन को बहुत सपोर्ट किया. सो अबाउट 70 मिलियन ईयर्स पहले का जो टाइम पीरियड था इसको हम स्टार ऑफ द एज ऑफ मैमल्स कहते हैं. ये वही टाइम पीरियड था जिसमें बहुत सी रेप्टिलियन लिनिएजेस की एक्सटेंशन हुई एज अ रिजल्ट ऑफ मेजर मास एक्सटेंशन इवेंट, जिसकी वजह से मैमल्स में जो था अडेप्टिव रेडिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ. सो द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू चैलेंजेस, न्यू रिसोर्सेज, हैबिटेट्स, निशेज एंड एनवायरमेंट्स विच वर प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द रेप्टिलियन लिनिएजेस अलाउड मैमल्स टू डाइवर्सिफाई रैपिडली. तो मॉडर्न मैमल्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी शॉर्ट टर्म प्रोसेस में इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि दे इवॉल्व ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन. अब हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देख लेते हैं मैमेलियन करेक्टरिस्टिक्स का. मैमेलियन इंसेस्टर्स के या अर्ली साइनाप्सिड्स के बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज है वो मोस्टली स्केलेटल करेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है, क्योंकि बाकी जो फीचर जैसे एंडोथर्मी हो गया, हेयर या मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह, वो उन पे हम ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत पुअरली प्रिजर्व्ड होते हैं फॉसिल रिकॉर्ड में या प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं होते. तो इन फॉसिल रिकॉर्ड से जो हमें अर्ली साइनाप्सिड्स के जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं वो उनमें एक तो उनका पैटर्न ऑफ मूवमेंट आ जाता है जो कि स्प्रॉलिंग था,
स्प्रॉलिंग गेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव एंड ओरिजिनल लिम्ब पॉस्चर फ्रॉम विच अदर पॉस्चर्स इवॉल्व्ड. तो इनका जो स्प्रॉलिंग पैटर्न ऑफ मूवमेंट जो था, ये आप कह सकते हो इसमें लिम्ब्स जो हैं बिल्कुल बॉडी के नीचे नहीं होती बल्कि स्प्रेडेड आउट होती हैं, और बड़ा इरेगुलर सा और फैला हुआ जो है वॉकिंग या मूवमेंट पैटर्न होता है. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह जैसे मूव करते हैं, उस तरह का इनका मूवमेंट पैटर्न होता है. और एक्टोथर्मिक थे अर्ली साइनेप्सिड्स, मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज होता है विद द चेंजेस इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर. उसके अलावा कुछ जो अर्ली साइनेप्सिड्स हैं या प्री मेमेलियन साइनेप्सिड्स हैं, उनकी बॉडी पे बैक पे सेल्स होते हैं होते थे, जैसे कि डेमेट्रोडॉन, जो मैं आपको नेक्स्ट अभी डायग्राम में दिखाती हूँ सेल किस तरह का एक बॉडी पार्ट होता है, जिसको वो यूजुअली एज अ थर्मोरेगुलेटरी डिवाइस यूज़ करते थे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. उसके अलावा इसी सेल की प्रेजेंस की वजह से हमें पता चलता है कि अर्ली साइनेप्सिड्स में जो था बॉडी हेयर जो थे वो भी एब्सेंट थे. उसके अलावा अर्ली साइनेप्सिड्स जो थे एग लेयर्स थे, मतलब या ओवी पैरर्स थे, मतलब जिनमें जो है एनिमल्स या पेरेंट जो हैं अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स जो कि बाद में हैच होते हैं और उनसे फिर जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं जस्ट लाइक बर्ड्स. Here in this figure, you can see a sail on the back of a pre-mammalian synapsid, which they had been using as a thermoregulatory device. इसके अलावा कुछ early synapsids जो थे, they were herbivores or they were plant eaters, जबकि कुछ ने skeletal adaptations show की to increase their effectiveness as predators. उसके अलावा इंटीरियर टीथ जो हैं या सामने वाले जो दांत हैं अपर जॉ के, दे वर लार्ज और दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर टीथ बाय अ गैप. पोस्टीरियर और इंटीरियर टीथ के बीच में एक गैप था जिसका मकसद था अकोमोडेट करना एनलार्ज इंटीरियर टीथ ऑफ द लोअर जॉ के व्हेन द जॉ इज़ क्लोज्ड. उसके अलावा प्रीडेटरी अर्ली साइनेप्सिड्स का जो पैलेट था दैट वाज आर्च्ड या कर्व था, जिसने जो है एक तो स्ट्रेंथन करना था अपर जॉ को, और दूसरा जब प्री होल्डिंग के दौरान जो था उसको एयर पैसेज को या ब्रीथिंग को जो था रेगुलेट करना था इस आर्च्ड पैलेट का पर्पस. ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अनदर सक्सेसफुल एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ साइनेप्सिड्स हैड अराइजन व्हिच वाज नेम्ड थेरैप्सिड्स. Therapsids were predators and some were herbivores. In the predatory therapsids, जो predatory therapsids थे उनके जो anterior teeth थे या जो सामने वाले दांत थे, they were concentrated या ज़्यादा थे and were enlarged for holding and tearing prey. Whereas the posterior teeth were reduced in both size and number. And the jaws of some predatory therapsids were elongated, which used to generate a large biting force when snapped closed during predation. इसके अलावा अगर हम herbivorous therapsids की बात करें तो their teeth were mammal-like, और they had a space or gap between their anterior and posterior teeth. उनके आगे और पीछे के जो दांत थे उनके बीच में space या gap होता था जिसको diastema कहते हैं. उसके अलावा जो पोस्टीरियर टीथ थे दे यूज़ टू हैड रिजेस एंड कटिंग एजेस विच वर प्रोबेबली यूज टू श्रेड प्लांट मटेरियल. और दूसरे साइनेप्सिड्स की तरह इनकी जो हाइंड लिम्ब्स या इनकी लिम्ब्स थी वो स्प्रॉलिंग नहीं थी, बल्कि इनकी जो हाइंड लिम्ब्स थी दैट वर हेल्ड जस्ट बीनीथ द बॉडी एंड मूव पैरेलल अलोंग द बॉडी एक्सिस. उसके अलावा दे शो चेंजेस इन देयर साइज एंड शेप ऑफ द रिब्स. तो इतनी सक्सेसफुल अडेप्टेशंस के बावजूद थेरैप्सिड्स वर वाइप्ड आउट ड्यूरिंग फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन इवेंट अबाउट 240 million ईयर्स अगो, पॉसिबली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज साइबेरियन वॉल्केनिक इवेंट्स
However, only a few cynodont therapsids survived this extinction event, and they started adapting, diversifying, and evolving according to the available resources, challenges, and niches, and became increasingly smaller in size and became nocturnal, which means they were mostly active during the night time, and they started adapting more like mammals. तो ये सारी अडेप्टेशंस जैसे कि स्मॉलर साइज, हेयर डेवलपमेंट एंड एंडोथर्मी, ये सब सर्वाइव्ड थेरैपसिड्स ने इसलिए की ताकि वो उन निशेज और हैबिटेट्स को एक्सप्लॉइट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें जिनको लार्जर रेप्टाइल्स और स्मॉलर डायर्नल रेप्टाइल्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ था, विच वर लिविंग एट द सेम टाइम. उसके अलावा दूसरे मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स जो इवॉल्व हुए ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड, इसमें उनकी स्पेशलाइजेशन ऑफ टीथ आ जाती है, विच वर यूज्ड टू फैसिलिटेट रैपिड फूड प्रोसेसिंग. उसके अलावा कुछ चेंजेस आए इन द स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर एंड रीजन्स ऑफ द ब्रेन, विच वॉज डिवोटेड टू हेयरिंग एंड ऑल्फैक्शन. उसके अलावा अर्ली मैमल्स जो थे ये देवर नॉकटर्नल, मतलब देवर एक्टिव मोस्टली ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स, एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट मोस्ट मैमल्स लैक कलर विजन. तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रू मैमल्स जो थे देवर प्रेजेंट इन द जुरासिक पीरियड. After that, the second mass extinction event occurred about 65 million years ago, probably associated with some asteroid impact in Central America. So, as a result of this extinction event, larger reptiles, many ancient birds, and many other taxa became extinct. But some early mammals survived this extinction event and continued the diversification process. And they continue to expand into the niches and occupied the environments and habitats which were available after the demise of larger reptiles and dinosaurs. So this tertiary period became the age of mammals. So now let's discuss the diversity in class Mammalia. We will also see later in this section how this class is further classified into lower taxa. So there are certain features as we have already studied and discussed, like hair on the skin, mammary glands, middle ear ossicles, sweat and sebaceous glands, a four-chambered heart, heterodont dentition, etc. These are the characteristics which characterize the members of class Mammalia. हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन क्या होती है, इसका मतलब है कि इसके जो इस क्लास के जो मेंबर्स हैं दे पोजेस मोर देन अ सिंगल टूथ मॉर्फोलॉजी, या उनके जो टीथ हैं दे हैव बीन डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स लाइक इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. अब ये इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स, मोलर्स कौन से होते हैं, ये तो आपको पता है ना, सामने वाले टीथ जो हैं वो इंसाइजर्स होते हैं, देन कैनाइंस आते हैं, देन प्री मोलर्स एंड देन मोलर्स. And more than 5400 species of mammals have been identified and studied so far, which range in size from the bumblebee bat, which is, you can say, the smallest known mammal, just a few centimeters in length, from bumblebee bat size to the blue whale, which is more than 30 meters in length. मतलब इतनी स्मॉल साइज से लेके इतने ह्यूज साइज़ के एनिमल्स या मेंबर्स जो हैं इन 5400 स्पीशीज़ में आ जाते हैं. सो दे आर द डोमिनेंट एंड लार्ज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, यू कैन से, एंड सम ऑफ देम हैव एक्सटेंडेड देयर हैबिटेट्स इवन इनटू द ओशंस एंड एयर. This diversified class Mammalia is further divided into two lineages or two subclasses. The first is a subclass Prototheria, which comprises the infraclass Ornithodelphia. The second subclass is Theria, which is further divided into two infraclasses, namely Metatheria and Eutheria. This cladogram
represents the mammalian phylogeny, showing all the lower taxa in this class, which we are going to discuss now. Here is another point. This dagger symbol with the name of taxa represents the or indicates the taxa which have been extincted now. अब हम मैमल्स की दोनों सब क्लासेस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट क्लास सब क्लास इज़ प्रोटोथीरिया विच कंप्राइजेज द सर्वाइविंग इंफ्राक्लास ऑर्निथोडेल्फिया या जिसको कॉमनली मोनोट्रेम्स भी कहते हैं. एज दिस नेम मोनोट्रेम सजेस्ट द फैक्ट दैट द मेम्बर्स ऑफ दिस इंफ्राक्लास पोजेस अ क्लोएका which is a single opening for excretory, digestive and reproductive products, and they are oviparous, which means their members or animals produce their offsprings by means of eggs. The second subclass is Theria, which is further classified into two infraclasses. The first is infraclass Metatheria, and the second is infraclass Eutheria. The members of infraclass Metatheria are viviparous, that means their embryo completes its developmental stages inside the body of the parent. But their gestation period is very short, and the young are born very early. And then they are carried in a marsupial pouch or marsupium, which is a protective pouch that covers the mammary glands of the female. The young ones crawl into the marsupium after birth, where they feed and complete their further developmental stages. Here are the figures showing the representatives of infraclass Ornithodelphia and Metatheria. The second Therian infraclass is Eutheria, which contains the placental mammals. In placental mammals, the young ones are usually born at an advanced stage of development, having been nourished within the uterus of the mother. And during this placental development period, the exchange of nutrients and waste between the maternal and fetal circulatory system occur by diffusion across the placental wall, which is composed of both maternal and fetal tissues. This infraclass Eutheria is the most diverse taxa under the class Mammalia, which has more than 4,000 species and which are further classified into 18 orders. The infraclass Eutheria is further classified into four superorders. The first superorder is Afrotheria, which is further divided into two orders. The first is order Proboscidea, examples of which include African and Indian elephants. The second order is Sirenia. Its examples are manatees and dugongs. The second superorder of infraclass Eutheria is Zinerthra, which is also used as the name of its order. The examples of order Zinerthra includes anteaters, tree sloths and armadillos. The representatives of order Zinerthra. The third superorder of infraclass Eutheria is Lorachitheria, which is further classified into six orders. The first is order Eulipotifla, which includes hedgehogs, true moles and shrews. The second is order Chiroptera, which includes bats. Order is Carnivora, which includes bears, dogs, raccoons, cats, seals and otters. Figure or diagram which shows the representative of order Carnivora. The fourth order is Perizodactyla, which includes odd-toed ungulates, horses, zebras, etc. The
फिफ्थ ऑर्डर इज़ आर्टियोडेक्टाइला विच इंक्लूड्स इवन टोड अंगुलेट्स पिग्स हिप्पोपोटामस एंटेलोप डियर जिराफ्स एट्सेट्रा. Here is the figure showing representatives of order Perizodactyla. The sixth order is Cetacea, which includes toothed whales and toothless baleen whales. The fourth superorder of infraclass Eutheria is Euarchontoglyres, which is further classified or divided into three orders. The first is order Legomorpha, which includes rabbits and pikas. The second is order Rodentia, which includes mice, squirrels, rats, lemmings, chipmunks and beavers, etc. The third order is primates, which includes monkeys, gibbons, lemurs, great apes, including both apes and humans. This figure shows members of order primates. So here it ends today's lecture. Thank you so much.